कैसे हैं आप सब। आज देख ही रहे हैं कि मैं नॉर्मली बैठी हुई हूँ मेरी बहन के इंतजार में। वो आज मुझ पे कुछ ट्राई करने वाली है मेकअप। एक्चुअली शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप एंड फैशन, सो वो अभी मुझ पे ट्राई करेगी आज। तो आप सब भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। वो आज आई मेकअप ही ट्राई करेगी बेसिकली। तो वो मतलब मुझे रेडी कर देती है, मेकअप करती है। हम लोग की फ्रेंड का शादी था, उसने मुझे प्रॉपरली तैयार किया था। और उसके पास वो मनीष मल्होत्रा का एक नया मेकअप कलेक्शन है, तो वो उसने फुल्ली मुझ पे ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो आज वो फिर से, एक्चुअली वो बहुत रेगुलर नहीं है ऐसे मेकअप ट्रायल्स में, बट वो कभी कभार यूज करती है। तो आज फिर से आई मेकअप यूज करिए। तो आप सब बता शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको उसका मेकअप। और उसका जो एक्सपेरिमेंटिंग गैजेट है वो मैं हूँ, तो मुझ पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तो वो भी शेयर कीजिएगा कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है आपको। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे फेस पे क्या अप्लाई होगा? ये क्या है? दिस इज एलोवेरा जेल। वाओ का एलोवेरा जेल है, हाइड्रेटिंग आफ्टर सन सूदिंग जेल। अभी हम इसे ही काम चलाएंगे। तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, निकल नहीं जाएगा ना कुछ? ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इससे थोड़ा सूट हो जाएगा। आप ये पहले लगा लो। ठीक है, अप्लाई इट ऑन योर फेस। सेंसिटिव है इसीलिए तो पूछ रही है, इसीलिए तो निकला है। इतना लू ना, देखो। अरे मैं तो इसी में चमक रही हूँ, और क्यों इंसान मेकअप करता है। अब हम थोड़ा अप्लाई करेंगे ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का मूव। दिस वर्क सिमिलर लाइक फाउंडेशन, सो दिस इज वेरी गुड। मैं काम करती हूँ, मैं एक आपके पहले करके देख लेती हूँ, ठीक है? अच्छा लगेगा तो दूसरा आपके करूँगी, और ये अच्छा लगेगा ऐसे छोड़ दूँगी। ओके, तो पहले कौन सा आपने लगेगा? इस आपने बचा। हाँ, पूरी तरह से आपके हवाले है, आपको जो करना है कीजिए। तो यहाँ आपको लुक एट मी, या लेफ्ट साइड में ये यूज़ करें हम सुगर का। अच्छा, लेफ्ट साइड में ज़्यादा आपको आसानी होगा या राइट साइड में? लेफ्ट, तो बच्चे तो छोड़ो। ब्रश यूज़ करेंगे, आई मीन उसकी आँखों को सही करने के लिए। आई बॉट दिस फ्रॉम अमेज़न, आई बॉट दिस फ्रॉम अमेज़न। आजकल मेकअप का कितना अलग अलग वेबसाइट्स हो गए ना, जहाँ से सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप मेकअप ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब हम लोग की अर्लियर जनरेशन में ऐसा कुछ था ही नहीं, वो लोग शायद एक लैक्मे का लिपस्टिक यूज करते थे। हाँ, पूरा इतना फाउंड प्राइमर लगाना चाहिए, फिर फाउंडेशन लगाना चाहिए, फिर मतलब इतना आई मेकअप, इतना कुछ था ही नहीं शायद पहले। मतलब लोग पहले भी जानते होंगे, लेकिन इतना शायद मतलब फैशन में नहीं था या चलन में नहीं था। सो आई एम यूजिंग दिस शेड फर्स्ट। अरे वाह, अरे वाह, क्या कुछ डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। अरे तुमने तो वैसा यूज किया ना वो न्यूड टाइप का मेकअप, तो कैसे ये ठीक है? एक बात बताओ, मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो कई बार हम लोग जाते हैं ना दिन के टाइम का मेकअप हो एकदम न्यूड सा हो, कि ज्यादा पता ही ना चले वो बिल्कुल ऐसा मेकअप हुआ है, मतलब ये पूरे पोर्शन में। और यहाँ पे देखो, यह नॉर्मल है, मैं नॉर्मल बता रही हूँ। अगर जैसे हम एवरीडे बेसिस में भी बाहर जाते हैं ना किसी काम से, तो एटलीस्ट इतना भी अगर हम मेकअप कर ले, तो देखो यहाँ पे अलग डिफरेंस आ रहा है लुक का, और यहाँ पे अलग डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ, पता चल रहा है ना डिफरेंस। अब तुम क्या करोगी? तुम मेरे दोनों आंखों में मेकअप करना चाहते हो, या एक ही आंख में ऐसे मेकअप करके रख दोगे? नहीं, दोनों आंख में करना। करो, फिर मैं कहाँ जाऊंगी आई मेकअप करके? ऑफिस। हाँ, फिर आज मैं आई मेकअप करके ऑफिस जाऊंगी।
वाओ बट एटा बेशी ভালো লাগছে यहाँ पे भी करू ना वो ये वाला इफेक्ट ना देखो इस आंख में जैसे साइड साइड से पिंक लग रहा है और बीच में से ऐसे मतलब गोल्डन टाइप्स का वो ये इस आंख में भी कर दो ना अरे वाह मुझे तो पहले लगा था कि सिंपल सा होगा लेकिन मुझे काफी गॉर्जियस लग रहा है अभी आई मेकअप तो। ये क्या है नथिंग इसका सिर्फ मैंने ऊपर का जो कंप्लीटेड ये क्या है ये हाइलाइटर है थोड़ा हाइलाइट करने के लिए हाइलाइटर मुझे हाइलाइटर मुझे मेकअप का बेस्ट पार्ट लगता है हाइलाइटर मुझे मेकअप का बेस्ट पार्ट लगता है सो कैसा क्या मतलब अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि सिंपल होगा सिंपल एंड सोबर लेकिन ये तो किसी में पार्टी वार्टी में भी ऐसा है मेकअप में करके जा सकती हूँ तो इसके साथ हाँ इसके साथ एक्चुअली अभी मैंने ड्रेसअप काफी सिंपल किया है तो शायद मेकअप को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होगा लेकिन मतलब जब मतलब किसी पार्टी में ऑफिस पार्टी कुछ भी जाने के लिए आई मेकअप मुझे तो पूरा प्रिपेयर लगता है तुम तो मेरा कंप्लीट मेकअप कर रही हो बहन ऐसे तो उतार के जाने वाली हो ऑफिस कौन सा ये मेकअप लेके जाने वाली हो आज कल मैं जितना भी सेशन शूट करूंगी इसी मेकअप में करूंगी फिर है ना ऐसे फर्स्ट पास में बहुत ज्यादा खराब तो नहीं किया मैंने आई थिंक नहीं एज अ बिगनर बहुत अच्छा ही मुझे अच्छा लग रहा है मुझे मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है मुझे ये नहीं पता कि बाकी सबको कैसा लगेगा बट मुझे मेकअप के हिसाब से बुरा नहीं लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगली बार मुझे ऐसे नॉर्मल आई मेकअप करवाना हो या होता है ना देखिए हम हर मेकअप के लिए तो हम नहीं जाते हैं ना पार्लर कुछ भी अगर छोटा मोटा ऑफिस में कुछ हो गया या कहीं चलो मॉल घूमने चले गए तो थोड़ा बहुत मेकअप हम खुद से भी कर सकते हैं एक्चुअली तो हर लड़की को खुद का मेकअप करना आना ही चाहिए लेकिन मुझे नहीं आता है मैं बस वो ठीक है लिपस्टिक एक लगा लेती हूँ मुझे इवन वो लिप लाइनर से भी ड्रॉ करना नहीं आता ढंग से मुझे भी नहीं आता हाँ लेकिन तुमने जैसा किया मुझे परफेक्टली सजा दिया मैं किसी पार्टी में भी ऐसा मेकअप लेके मैं जा सकती हूँ थैंक यू वेलकम तो हमने फिर तुम आ जाओ फिर सो अभी टाइम है मेरे मेकअप आर्टिस्ट से मिलने का सो ये है मेरा फुल टाइम मेकअप आर्टिस्ट पता नहीं मैंने क्या किया और आप सबके पास भी ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट हो ऑल टाइम के लिए तब टैग कीजिए और ये पता नहीं मैंने क्या कैसे किया क्यों किया मुझे तो अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हाइलाइटर का इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जो पिंक के बीच में जो अलग गोल्डन शेड है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लाइनर यूज नहीं करती मैं आंखों के ऊपर मैं एक्चुअली काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी आंखें ना गोल सी है तो काजल लगाती हूँ तो अलग ही कुछ लगता है ऐसा लगता है सो जाऊंगी नींद आ जाएगा ऐसा कुछ तो मुझ पे ऐसे में ऊपर जब लाइनर की तरह लगाती हूँ ना काजल को तो मुझे लगता है मुझे सूट करता है तो मैं लाइनर यूज नहीं करती एक्चुअली मैं काजल ही यूज करती हूँ एज अ लाइनर तो वो भी तुमने अच्छा किया हाइलाइटर तो ऑब्वियसली देखो कितना मुझे ऐसे ही लग रहा है सिर्फ आई मेकअप से ही ग्लो आ गया मुझे लग रहा है मुझे आज कुछ करने की जरूरत नहीं अभी इतना तो हम लोग मेकअप करके जा सकते हैं फिर खुद से क्योंकि हम दोनों का मेकअप एकदम नहीं आता है एंड ये आप लोगों को पता चल ही जाएगा ये वीडियो देख के कि हम लोग एकदम बिगिनर्स नहीं हम लोग माइनस बिगिनर्स है So, और बिगनर्स क्या आप तो हम लोग के जो इसके पहले के वीडियोस है उसी में देख रहे कि हमें नहीं आता मेकअप मतलब हम एकदम सिंपल ही तो बैठते हैं सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अरे अच्छा लगेगा डेफिनेटली अच्छा लगेगा यार कॉन्फिडेंस मेकअप किसे अच्छा नहीं लगता स्पेशली लड़कियों को दिस इज इट ये वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे हैं हम एंड बाय तो
तो अभी तो आप लोग ने बिगनर का आई मेकअप देखा है, और मेरी बहन है जो ओरिजिनली ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, उनका भी चैनल है यूट्यूब पे एनीज क्रिएशन, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने हम दोनों को रेडी किया था, वो ब्राइड्स को भी रेडी करती है, सो बहुत अच्छा होता है। काइंडली फॉलो हर चैनल, एंड हर चैनल नेम इज एनीज क्रिएशन। फेसबुक पे उनका पेज भी है, पेज का लिंक। अच्छा ठीक है, हाँ उनका उनका फेसबुक में पेज भी है, तो हम इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देंगे, तो काइंडली फॉलो कीजिएगा आप उसे फेसबुक में प्लीज। वो क्योंकि उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हाँ बहुत अच्छा मेकअप करती है, सो या डू लाइक हर चैनल एंड सब्सक्राइब हर चैनल एंड लाइक आवर सॉन्ग। हाँ बाय। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर हैशटैग्स। हैशटैग की एटा एटा होचे हैशटैग लैक्मे एब्सोल्यूट क्या हैशटैग वेट एंड व्हाइट, हैशटैग शुगर काजल, हैशटैग माय ग्लैम सुंदर, हैशटैग एल रिवारा ब्रश, एंड सबसे बड़ा हैशटैग ब्लू।